नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी। Vivo G1 Pro भी लॉन्च हो चुका है। कंपनी क्लेम कर रही है कि ये फुल्ली लोडेड फोन है, लेकिन भी इसमें कुछ कमियां हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और देखेंगे इसका फुल रिव्यू, और साथ में बताने वाला हूं इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक, क्योंकि आज सारा कुछ पता चलेगा और आपको क्यों खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए, सारा कुछ आपका जो भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर बहुत सारी कमियां भी हैं और बहुत बड़ी एक लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। तो इसे खरीदने के लिए तो आप खरीदना चाहते होंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी बढ़िया बढ़िया आपको इसके अंदर प्रोसेसर जो है बहुत तगड़ा दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की और लेके जाएगा एंड तक भी आपको लेके जाएंगे क्या कमियां देखने को मिलने वाली है। तो स्पेसिफिकेशन के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी इसमें 6.53 इंच की फुल HD IPS LCD देखने को मिलती है। इसमें आपको AMOLED स्क्रीन तो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 15-16 हज़ार रुपए के अंदर आ रहा है। तो भी IPS LCD नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में आपको देखने को मिला प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 712 देखने को मिलता है। बैटरी 5000 mAh की देखने को मिलती है। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। साथ में आपको कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट 32 मेगापिक्सल, जो कि भैया आपका काफी बेहतर होने वाला है। बैक कैमरा देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। 16, 8, 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि काफी बेहतर होने वाला है। वहीं पर बात कर लेते हैं इनकी कुछ कमियों के बारे में, क्या क्या होने वाली है, इसके स्पेसिफिकेशन जो भी है काफी बेहतर होने वाले हैं। वहीं पर भैया बात कर लेते हैं, देखिए इसे प्रोसेसर जो 712 दिया गया है, लेकिन काफी बेहतरीन प्रोसेसर है। 712 से 20% फास्ट पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पर भैया आप पबजी जो है वो HD मोड में ही खेल सकते हैं, HDR मोड में नहीं खेल सकते हैं। ये यहाँ पर एक कमी है, ये इनेबल कर देना चाहिए था। कुछ लोग HDR मोड में खेलना पसंद करते हैं तो वहां पर ये खेल सकते थे, लेकिन HD मोड में आप मक्खन की तरह पबजी खेल पाएंगे। वहीं पर भैया अगर आपने नेटफ्लिक्स या अमेज़न की भैया अगर मेंबरशिप ले रखी है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको वाइड बाइन L3 का सपोर्ट मिलता है, L1 का सपोर्ट नहीं है। तो आप इसमें भैया HD में आप मतलब कि नेटफ्लिक्स की सीरीज जो होती है उनको आप नहीं देख पाएंगे, तो आपका मतलब वो जो भी मेंबरशिप ले रखे होंगे वो खराब हो जाएगी। तो ये यहाँ पर एक कमी है। और साथ में बता दो, इसमें आपको भैया माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है, टाइप सी पोर्ट नहीं है। ये यहाँ पर थोड़ी बड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि भैया आप 10,000 के फोन में देखेंगे तो आपको मिलता है USB टाइप सी, लेकिन इसमें आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन भैया इसमें 5000 mAh की बैटरी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे तो माइक्रो USB पोर्ट को आप हटा सकते हैं, लेकिन ये कमी है। वहीं पर बात कर लेते हैं भैया इसकी सबसे बड़ी कमी की, इसके भैया आपको 6.53 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले दे रखी है, लेकिन भैया उस पर आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया है। ये भैया पूरा कहीं भी स्पेसिफिकेशंस पे कहीं नहीं लिखा है कि इसमें आपको किस तरीके का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसको देख लेना चाहिए था, कुछ तो गोरिल्ला ग्लास 5 का ही प्रोटेक्शन दे देते तो थोड़ा अच्छा हो जाता, क्योंकि प्रोटेक्शन के मामले में अगर कहीं ये फोन गिरा तो ये चला जाएगा, क्योंकि प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। वहीं पर भैया इसमें आपको LED की नोटिफिकेशन जो लाइट होती वो भी नहीं दी है, वो ज़्यादा कोई बड़ी इशू वाली बात नहीं है, लेकिन नहीं दी है तो थोड़ा अगर दे दिया होता साइड में कहीं चीज उनमें लगा देते तो थोड़ा बेहतर हो जाता। तो ये कुछ कमियां थी भैया, आपको इसमें माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है, वाइड बैंड L3 का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ में भी आपको देखने को मिलता है आपको कोई प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है। ये कुछ कमियां हैं। अगर आप इन कमियों को अगर आपको इन कमियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस फोन को बिना सोचे समझे खरीद सकते हैं। वैसे अगर आपको भैया नेटफ्लिक्स पे अगर सीरीज देखनी है HD में, जो फुल HD में देखनी है, तो आप नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं पर आपको गोरिल्ला मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है, तो आप अगर भैया अगर आपका फोन कहीं गिर जाता है, आपके हाथ से ज्यादा फिसलता सुलता है, तो आप इस फोन को ना लें तो सही है। माइक्रो USB पोर्ट है वो जल्दी ही खराब हो जाता है, कहीं आगे चल के आपके पास भी कोई दिक्कत हो सकती है। अगर इन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं। वाकई में ये फोन काफी बेहतरीन है, फोन आपको इस प्राइस रेंज में ऐसा फोन अभी तक नहीं देखने को मिला है। साथ में पंच होल डिजाइन के साथ में जो आती है इसकी स्क्रीन, जो काफी बेहतरीन देखती है, और साथ में कुछ ऐसे वॉलपेपर जो दिए गए हैं जो आपको काफी बेहतरीन, साइड में आपको ब्लैक जहाँ पे दिया है पंच होल डिजाइन उसके साथ में ब्लैक हो जाता है, तो वहाँ पे वो कैमरा भी छिप जाता है, कैमरा ही नहीं दिखता है। तो कुछ इस प्रकार की स्क्रीन देखती है, काफी फुल्ली यानी फुल व्यू वाली स्क्रीन देखने लगती है, लेकिन एक्चुअली में साइड में होता है कैमरा। तो इस प्रकार का कुछ फोन होने वाला है। तो भैया आपको ये फोन किस तरीके का, और साथ में आपको ये वीडियो किस तरीके के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके ही जाना, अगर जो भी आपके सुझाव जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।